ठीक है ठीक। मिमी आज दादा का ऑपरेशन है ना, तू जा रही है? क्योंकि मैं तो जा रही हूँ। हाँ मैं क्यों नहीं जाऊंगी। अच्छा सुनना, दादा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बोल। मैं भी पूरे टाइम उन्हीं के लिए प्रे कर रही हूँ। और अब दोनों बहनें मिलकर वही बातें दोहरा रहे हैं। फिक्र तो है भाई जो है, पर अप्पू जैसा प्यार नहीं उनमें। अरे परिवार की शांति को ये हो क्या गया है? और इन सब के बीच में उस लड़की को हमारे सर पर आके बैठना था, और कितना ही टॉलरेट करेंगे हम क्या, और कितना टॉलरेट करेंगे अर्षी दीदी। यार मेरी बात हुई थी बिपाशा भाभी से, न्यूज मिली है अर्षी दीदी वर्सेस झनक, फुल लड़ाई चल रही है वहाँ पर। क्या कह रही हूँ, कहाँ झनक और कहाँ अर्षी दीदी, कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है। हाँ माना कि झनक थोड़े बहुत डांस कर लेती है, फिल्मों में हीरोइन बन गई है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं ना कि झनक अर्षी दीदी की क्लास को मैच कर सकती है। हाँ पर दादा से मिलने जा रहे हैं ना हम लोग, देखती हूँ अगर वो झनक मुझे मिल गई ना तो बताती हूँ उसे अच्छे से। मैंने सुना झनक हॉस्पिटल में ही है, दिन हो या रात वहीं पर ही हुई। मैं तो कहती हूँ दादा की भी गलती है इसमें, क्या जरूरत थी उनको अपनी वाइफ और फैमिली को इग्नोर करने की। एग्जैक्टली, कभी नहीं सोचा था दादा अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट कर लेंगे। अरे मासूम है वो, थोड़े से बुद्धू भी। उस झनक ने मेरे दादा को फंसा। और अब जैसा माँ बाप का संस्कार वैसा ही सोच, बड़ों की जिंदगी में दखल अंदाजी करने की आदत जो है, उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है ये तो। और कौन सी शादीशुदा लड़की किसी पराई औरत को टॉलरेट करेगी? तू ही बता ना, उसने ये तक बोल दिया कि वो प्रेग्नेंट है और दादा के बच्चे की माँ बनने वाली है। कैन यू इमेजिन। और अर्षी दीदी का सोच, वो तो कितना कुछ सह रही है और उसके बावजूद भी वो इस घर में रह रही है, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा दादा को। मैं बोल रही हूँ कि ये रिश्ता ना ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। एक दिन ना अर्षी दीदी दादा को छोड़कर चली जाएंगी, देख लेना। तो और क्यों नहीं जाएंगी, वो क्या नहीं है उनके पास, वो सुंदर है, पैसे वाली है, क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगी वो, और उस झनक के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे। चलो चलते हैं हॉस्पिटल, मैंने सुना है दादा की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, ऑपरेशन करने में भी रिस्क है। चलो क्या चलो। लेकिन मैंने तो सुना था कि दादा अभी बहुत स्टेबल हो गए हैं, और वो भी उस झनक मैडम की वजह से। और वहीं अब मिमी और रूमी भी दोनों अभी वही बातें लेकर बैठे हैं, झनक और अर्षी की, जहां हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए था अब तक। उसने कोई तो एक पूजा का फूल दादा के माथे से लगाया है और फिर चमत्कारी हो गया। ये डॉक्टर्स भी ना कुछ भी बोलते हैं, मतलब हमारे साथ ही गेम हो गया है क्या? गेम? झनक के पास कितना पैसा है कि वो डॉक्टर्स को ही खरीद लेगी? तुझे नहीं पता झनक क्या क्या कर सकती है पैसे कमाने के लिए। आदित्य कपूर के साथ आई है वो यहाँ पर, और उसने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं। उस लोकास झनक में इंटरेस्ट दिखाता है, और उन्होंने तो साथ में रहना भी स्टार्ट कर लिया है। अच्छा एक बात बता, अगर आदित्य कपूर यही प्रपोजल तेरे लिए लेकर आए तो क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी क्या? माय गॉड, आदित्य कपूर मुझे इतना, उसका उसके नाम सुनते ही ना मेरे सीने में ना कुछ कुछ होने लगता है, दिल धड़कने लगता है। अगर वो मेरे लिए ऐसा प्रपोजल लाता तो ऑब्वियसली मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उसी के पास भागी चली जाती। तू भी ना, ऐसे लड़के कभी लॉयल नहीं होते। मिमी इन पर भरोसा मत करना। अरे लाइफ ना बहुत ही बोरिंग हो रखी है यार। और अब इन दोनों की रहन सहन से लेकर फिजूल की बातें के अलावा और है ही क्या इनके पास? बहुत फ्लर्ट कर लिया मैंने, और फ्लर्ट करके टाइम पास करके छोड़ भी दिया, लेकिन एक ढंग का सीरियस लड़का नहीं मिल रहा है जो प्यार करने लायक हो, जिसके लिए मैं दीवानी हो जाऊं। और इस झनक को देख, एक तरफ दादा और दूसरी तरफ आदित्य कपूर, क्या किस्मत है इस लड़की की। हम क्या उससे कुछ कम है क्या? तुझे बुरा लग रहा है क्या? Of course, इतने बड़े हो गए हम और अब तक एक स्टेडी बॉयफ्रेंड तक नहीं मिला। My God, मुझे तो चाहिए भी नहीं स्टेडी बॉयफ्रेंड, चेप हो जाएगा वो। पूछेगा कहाँ जा रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या कर रही है, बाप रे। मेरे साथ ना ये सब नहीं चलेगा, मैं अफेयर के पहले दिन ही बोल दूंगी कि चेप होने की कोई जरूरत नहीं है। माई लाइफ माई टर्म्स, मुझे अपनी फ्रीडम ना बहुत प्यारी है, प्यार से भी प्यारी। पर मैंने देखा है अपने दोस्तों में, रोज झगड़ा होता है, ब्रेकअप होता है, बात बंद होती है, बैक टू स्क्वायर वन, सब ठीक हो जाता है,
मुझ में इतनी एनर्जी नहीं है यार। तेरी सारी एनर्जी तो पढ़ाई में ही चली जाती है, उसके बाद कुछ बचेगा तब ना फोकस करेगी लड़कों पर। पर मैं तो कम पढ़ती हूँ ना, मेरे पास बहुत एनर्जी है इन सब चीजों के लिए। और अब एक तरफ अनी बीमार है तो हॉस्पिटल जाने के बजाय ये दोनों बहनें बॉयफ्रेंड्स के सपने देख रहे हैं। अच्छा तो हॉस्पिटल चलेगी भी कि नहीं? मैं जा रही हूँ। ओ हेलो, भूल गई कौन तुझे बुलाने आया था, और मुझे ही पूछ रही है मैं चलूंगी या नहीं। तो बोलना बंद करेगी तब चलेंगे ना, अफेयर करना नहीं है लेकिन गॉसिप पूरी करनी है। नॉनसेंस, झनक और अर्शी दीदी की बात हो रही थी और तू कहां लव तक पहुंच गई। चल अब लेट हो रहा है। क्या हुआ? दादू भाई और ठम्मी सब रो रहे हैं ना। दादा ठीक हो जाएंगे, देखना तू। हाँ मुझे यकीन है कि दादा भाई ठीक हो जाएंगे। अरे इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके इलाज करने के लिए। भगवान जाने ये बीमारी कहाँ से आटक की। टेंशन तो मुझे भी हो रही है। ऑपरेशन के बाद चले क्या? ऑपरेशन जब होती है तब तो सबको टेंशन होती है ना। हाँ सब नीचे वेट करते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट्स लेना होता है, मुझसे ये सब स्ट्रेस हैंडल नहीं होगी। और यहीं पर आखिर आपस में कितना प्रेम है ये भी दिख रहा है। एक काम करते हैं, हम चलते हैं, गाड़ी में एक दो राउंड मार लेंगे उसके बाद चले जाएंगे। हाँ चल आसपास घूम लेंगे थोड़ा सा, और फिर जब ऑपरेशन खत्म होगा तो हॉस्पिटल चले जाएंगे। हाँ ठीक है चल। और अब आखिरकार रूमी और मिमी जाते तो हैं, पर हॉस्पिटल कब पहुंचेंगे इसका पता नहीं, क्योंकि उनको तो अपने भाई से मिलने से ज्यादा टंडेली मारना है। कोई है ही नहीं उन्हें टोकने वाला, तो वो भी क्या करे। बस जिंदगी ऐसे ही कहीं कुछ अलग मोड़ पर नहीं ले जाए इनको। देखते रहिए आगे आखिर क्या होता है रूमी और मिमी के साथ, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां अपने से ज्यादा इनको अगल बगल सबकी खबर रखने की आदत है। पर क्या बहन बेटियों को ये शोभा देती है? कमेंट करके बताइएगा जरूर, और बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।